स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं OJEE यानी कि ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। या ये जो एग्जामिनेशन है ये एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि ओडिशा में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ के कॉलेजेस से स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एक मौका हो सकता है कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे के इसके स्कोर्स के बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है OJEE बोर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू OJEE बोर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल 52,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में अपीयर होंगे। एंड यार यहाँ जो ऑनलाइन मोर एग्जामिनेशन है आप जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और इसके जो फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन डिपेंडिंग अपॉन योर पेपर्स, कि किस टाइप का एग्जाम कौन से सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड ऑल्सो लैटरल एंट्री एग्जामिनेशंस के लिए डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। नाउ यार लेट्स टॉक अबाउट द डेट्स, बिकॉज डेट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। हर एक जो स्टूडेंट है वो जानना चाहते होंगे कि वह एप्लीकेशन फॉर्म्स कब फिल कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस कब है, काउंसलिंग कब है और उनको सीट अलॉट कब होगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली। सो लेट मी टेल यू कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्टिंग फेब से आप फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स आपको बता दूं कि स्टार्टिंग ऑफ फेब में आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। देन कमिंग टू योर एडमिट कार्ड, आप मार्च में अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यार इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप एग्जैक्ट डेट्स या फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में या फिर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है OJEE.NIC.IN पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एज लिमिट्स एंड क्राइटेरियाज, क्योंकि अगर आप OJEE के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप UG यानी अंडर ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका 10+2 यानी 12th क्लास कंप्लीटेड होनी चाहिए, और आपकी मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर्स है। यानी अगर आप 17 ईयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं तो आप OJEE के एग्जाम्स दे सकते हैं, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें LE यानी लैटरल एंट्री कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए एंड यहाँ पे भी कोई एज लिमिट नहीं है। वहीं लास्ट ऑप्शन यानी कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की हम बात करें, तो इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आपको बैचलर्स की डिग्री अपनी कंप्लीट करनी है एंड आपकी मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होनी चाहिए, एंड यहाँ पे भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सो यार जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल करीबन 52,000 कैंडिडेट्स OJEE के एग्जाम्स में अपियर होंगे, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉर्म टाइप ABCD की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 rupees पर कैंडिडेट है। वहीं फॉर्म ई टाइप की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,500 rupees पर कैंडिडेट है। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी भी नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू। नाउ लेट मी टेल यू कि इसमें कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कितने परसेंट स्कोर करना होगा सो दैट यू कैन स्टडी दिस सब्जेक्ट। अगर हम बात करें सबसे पहले लैटरल एंट्री BTech की, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 45% स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं ST/SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 40% मिनिमम स्कोरिंग एग्रीगेट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें LE फार्मा यानी कि लैटरल एंट्री फार्मा की, तो यहाँ पे 45% स्कोर करना ज़रूरी है सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। वहीं ST/SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये 40% मिनिमम एग्रीगेट होगा। नेक्स्ट कमिंग टू MBA एंड MCA, इन दोनों ही सब्जेक्ट को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए ये है 50% मिनिमम एग्रीगेट स्कोर करना होगा, एंड वहीं ST/SC कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें 45% मिनिमम एग्रीगेट स्कोर करना होगा, एंड उन्हें ये स्कोर करना होगा अपने बैचलर्स या फिर अंडर ग्रेजुएशन की डिग्रीज में। अगर आप इंटीग्रेटेड MBA स्टडी करना चाहते हैं तो जितने भी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उन्हें 45% मिनिमम स्कोर करना होगा अपनी 12th क्लास में। वहीं जितने भी ST/SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 40% मिनिमम स्कोर करना होता है अपनी 12th क्लास में। वहीं जितने MTech, MPharma, MPlanning, MArchitect के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको 45% मिनिमम स्कोर करना होगा अगर वो ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड वहीं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50% मिनिमम एग्रीगेट स्कोर करना होगा इन योर लास्ट बैचलर्स डिग्री। सो ये थे कुछ मिनिमम एग्रीगेट जो आपको यहाँ पे एडमिशंस लेने से पहले या फिर एग्जामिनेशन देने से पहले अपनी लास्ट एग्जामिनेशन में स्कोर करने होते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। एंड टिल देन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।